Hello everyone, welcome to StudyIQ. Welcome to this all-important video in which I will cover the Women in News 2019. This will be very useful for you, not just for the academic purpose, but it will inspire you because these are not ordinary women. These are the women which are one better than ordinary, in other words, extraordinary. So let's start the video. For the comfort of the Hindi students, I have written the things in Hindi as well. Jo Hindi ke chhatre hain, wo bhi pareshan na ho. Niche Hindi mein bhi likh diya gaya hai har slide pe. तो आप हिंदी का भी पढ़ के ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मुख्यतः इंग्लिश में रहेगा, उच्चारण इंग्लिश में रहेगा, पर मैं हिंदी का भी उपयोग थोड़ा थोड़ा करता रहूंगा. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप दैट वॉज हेल्ड इन कटाक एंड आहिका मुखर्जी शी वॉज द विनर इन द वुमेन्स कैटेगरी और हरमीत देसाई वॉज द विनर इन द मेन्स कैटेगरी. बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मैन, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वुमेन. सो आहिका मुखर्जी शी वॉज द विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ Table Tennis Championship. It was held in Katak. Remember, Katak is in Odisha and it is located on the bank of Mahanadi. Then let's talk about Akane Yamaguchi. Now, Akane Yamaguchi is a very important badminton player and she was the winner of the women's single title of Indonesia Open. Indonesia Open is a very important badminton tournament. So, Akane Yamaguchi, she defeated India's PV Sindhu in the final. जो अकाने यामागुची हैं उन्होंने भारत की पीवी सिंधु को फाइनल में हराकर इंडोनेशिया ओपन जीता. देन देयर इज अ वुमेन वेट लिफ्टर, एक पावर लिफ्टिंग करती हैं भावना टोकेकर. तो भावना टोकेकर ने 4 स्वर्ण पदक जीते, शी वन 4 गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया एट द ओपन एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड शी हैज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑल्सो. शी इज मोर देन 45 ईयर्स इन एज एंड शी वन 4 गोल्ड मेडल्स. देन लेट्स टॉक अबाउट द क्रिकेटर्स, स्मृति मंधाना, पूनम यादव. स्मृति मंधाना, पूनम यादव, दे वन द अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार जीता इन्होंने. एंड हरमनप्रीत कौर इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 100 T20 मैचेस. हरमनप्रीत कौर जो हैं वो पहली भारतीय बनी जिन्होंने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले. देन लेट्स टॉक अबाउट सोमा रॉय बर्मन, शी इज द 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड शी इज द 7th वुमेन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. सो शी इज द 7th वुमेन टू टेक दिस पोजिशन. सोमा रॉय बर्मन जो है भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है और इस पद पर पहुंचने वाली वो 7वीं महिला बनी है, सोमा रॉय बर्मन. दीपिका कुमारी फ्रॉम झारखंड. सो दीपिका कुमारी वन द गोल्ड मेडल, शी वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट ऑफ द 21st एशियन चैंपियनशिप दैट टुक प्लेस इन बैंकॉक. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स आर्चरी. सो इन आर्चरी शी इज द एशियन चैंपियन. झारखंड की दीपिका कुमारी तीरंदाजी में एशियाई चैंपियन बन गई हैं, उन्होंने 21वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता. कोनेरू हम्पी, शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की कोनेरू हम्पी, शी वन द फिडेज 2019 वुमेन्स ग्रां प्री. वुमेन्स इट इज कॉल्ड वर्ल्ड कप ऑफ चेस, सो शी वन द चेस वर्ल्ड कप और चेस वुमेन्स ग्रां प्री. और ये ग्रां प्री जीती कोनेरू हम्पी ने महिलाओं में. देन वन मोर झारखंड गर्ल यूनिट टू रिमेंबर, कोमलिका बारी. कोमलिका बारी भी झारखंड से हैं और इन्होंने She won the World Archery Youth Championship. So she won the gold medal. She is the World Youth Champion in archery, which is a huge honor. To be a world champion in any category is not an easy feat. Aishwarya Pisse. Aishwarya Pisse, she made history by becoming the first Indian to win a world title in motorsports as she won the FIM World Cup in women's category. Hungary jo desh hai, Hungary ke shahar mein hui, Aishwarya Pisse ne FIM वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को जीत लिया और ये पहली महिलाएं जिन्होंने करके दिखाया. देन लेट्स टॉक अबाउट चंद्रिमा शाह, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी. राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी चंद्रिमा शाह. लेट्स टॉक अबाउट शिवांगी, शी इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर इन बिहार. बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं शिवांगी और ये भारतीय नेवी में पहली महिला पायलट बनी है. यहां पे आप यह भी याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी. अवनी चतुर्वेदी वॉज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी में शिवांगी पहली महिला पायलट बनी है. कराबी गगोई, कराबी गगोई इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द नेवी टू बी पोस्टेड एज एन असिस्टेंट नेवल अटाशे एट एन इंडियन मिशन अब्रॉड. नौसेना द्वारा जिस पहली महिला अधिकारी को नेवल अटैचे के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा वो है कर्बी गगोई. फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम इज सोफी विल्म्स. बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री है सोफी विल्म्स.
रूपा गुरुनाथ भारत के किसी भी क्रिकेट बोर्ड, यू नो शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ एनी क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया. बिफोर दिस नेवर हैज बीन द केस दैट एनी क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया हैज बीन हेडेड बाय अ वुमेन, बट रूपा गुरुनाथ हैज डन इट. एंड रूपा गुरुनाथ इज डॉटर ऑफ एन श्रीनिवासन, हु इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की सुपुत्री तमिलनाडु क्रिकेट संघ की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई. इनका नाम है रूपा गुरुनाथ और ये पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय महिला को एक किसी राज्य की इकाई, क्रिकेट इकाई का प्रमुख बनाया गया. फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी इज पोनुंग डोमिंग. अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर मेजर पोनुंग डोमिंग ने इतिहास रचा. फर्स्ट वुमेन टू क्लेम टू हैट्रिक्स इन व्हाइट बॉल क्रिकेट इज मेगन स्क्यूट. मेगन स्क्यूट ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज हैं. ये पहली महिला हैं जिन्होंने दो बार हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया सफेद बॉल क्रिकेट में. कंचन चौधरी भट्टाचार्य, शी वॉज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन डीजीपी, शी पास्ड अवे. देश की पहली पुलिस महानिदेशिका कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया. आरोही पंडित, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन इन दिस स्मॉल एयरक्राफ्ट, विच इज वेरी वेरी करेजियस एक्ट बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ एयर करंट्स दैट वी हैव इन दीज प्लेसेज, इट्स वेरी डेंजरस, बट शी डिड इट. भारत की आरोही पंडित ने बड़ी कामयाबी हासिल की. वो अकेले प्लेन उड़ाते हुए दो महासागरों, एक तो अटलांटिक महासागर और एक प्रशांत महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी. लेट्स टॉक अबाउट टेरेसिया थॉमस. टेरेसिया थॉमस इज द फर्स्ट वुमेन हंटर ऑफ केरला. शी पास्ड अवे रिसेंटली. शी वॉज कॉल्ड कुटियम्मा, यू नो ऑल्सो. केरल की पहली महिला शिकारी टेरेसिया थॉमस का निधन हो गया. इन्हें कुटियम्मा कहा जाता था. विंग कमांडर अंजलि सिंह, शी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट. विंग कमांडर अंजलि सिंह, ये भी बिहार से हैं, विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बन गई हैं अंजलि सिंह. शी इज द विंग कमांडर एंड शी इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट. किरण उनियाल, शी क्रिएटेड हिस्ट्री. शी वन टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आर नाउ टू हर नेम एंड शी बेसिकली क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक्स इन 3 मिनट्स, 1 leg एंड 263 स्ट्राइक्स एंड द मोस्ट फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक्स ऑल्टरनेट लेग्स इन 1 मिनट. सो किरण उनियाल ने बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. भारतीय सेना में कार्यरत किरण उनियाल ने महिला वर्ग में 3 मिनट में एक पैर के घुटने से 263 वार किए और 1 मिनट में बारी बारी से दोनों घुटनों से 120 वार करके व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए. देन अनदर वुमेन इन न्यूज इज कामिनी रॉय एंड हर गूगल डूडल वॉज क्रिएटेड. शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ इंडिया, यू नो ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम एंड इट वॉज हर 55th बर्थ एनिवर्सरी. शी वॉज अ रिनाउंड पोएट एंड शी वॉज अ सोशल वर्कर, कवित्री, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत में अंग्रेज राज में पहली ग्रेजुएट, महिला ग्रेजुएट थी कामिनी रॉय. अनदर गूगल डूडल वॉज फॉर पंजाबी पोएट अमृता प्रीतम. अमृता प्रीतम, इट वॉज हर 100th बर्थ एनिवर्सरी, सो गूगल मेड अ डूडल ऑफ अमृता प्रीतम. यू कैन सी अमृता प्रीतम एक ऐसी लेखिका थी जिनकी कविताओं में दर्द दिखता था भारत और पाकिस्तान के विभाजन का. लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा, शी हैज बीन अपॉइंटेड एन इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड ऑन अ फॉरेन मिशन. भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है. इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल ज्योति शर्मा. इनको भारतीय सेना ने महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया है. देन शैलजा धमी, शी इज अ इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर. शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर इन द कंट्री टू बिकम द फ्लाइट कमांडर ऑफ अ फ्लाइंग यूनिट. शैलजा धमी भारतीय वायुसेना बल की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है. उन्होंने हिंडन एयरबेस पर चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर के तौर पर तैनात किया उन्हें किया गया. गीता गोपीनाथ, शी ज्वाइंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एज इट्स फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट. गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला है. चंद्रानी मुर्मू, शी इज द यंगेस्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. चंद्रानी मुर्मू इज ऑफ द 17th लोकसभा. शी इज द यंगेस्ट एमपी एंड हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज केओंझार. केओंझार उड़ीसा से चुनी गई सांसद लोकसभा की चंद्रानी मुर्मू सबसे कम उम्र की सांसद हैं. पीवी सिंधु इज द फर्स्ट वुमेन टू को पायलट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉल्ड तेजस.
पीवी सिंधु ने लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी। क्या आप ये बता सकते हैं कि तेजस को नाम तेजस कौन से भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था? कैन यू टेल मी द नेम तेजस वॉज गिवन टू द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बाय विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई बाय डे अ हॉक एडवांस जेट एयरक्राफ्ट। 30 मई 2019 को एयरफोर्स की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह ने एक नया इतिहास रच दिया। वह दिन में हॉक एडवांस जेट में मिशन को अंजाम देने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई, मोहना सिंह। देन ऑल्सो रिमेंबर द फर्स्ट ऑल वुमेन क्रू टू फ्लाई अ मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17V5। देयर वर थ्री पीपल इनसाइड एंड ऑल द थ्री वर वुमेन। सो वी हैड फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज हु वॉज द कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर अमन निधि को पायलट एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल, दे फ्लू द चॉपर। रिमेंबर हीना जायसवाल इज द फर्स्ट फ्लाइट इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर इन द इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स। सो फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई MI-17V5, वाइल फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल इज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। अब मैं हिंदी में बताऊंगा। तीन महिला वायु सैनिकों ने MI-17 विमान उड़ाकर इतिहास रच डाला। तीनों का नाम है, इनमें जो कैप्टन थी वो थी पारुल भारद्वाज, इनके साथ थी अमन निधि जो फ्लाइंग ऑफिसर थी, और हीना जायसवाल थी। आपको बता दूं, हीना जायसवाल भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, और अमन निधि जो है ये झारखंड की पहली पायलट है, झारखंड से अमन निधि। और ये MI-17 प्लेन इन्होंने तीनों ने मिलकर उड़ाया, लेकिन पारुल भारद्वाज क्योंकि पायलट थी तो पारुल भारद्वाज MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। और हीना जायसवाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हीना जायसवाल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल इज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इन्होंने येलाहंका वायु सेना स्टेशन में कोर्स पूरा करने के बाद पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया। क्या आप ये बता सकते हैं येलाहंका वायु स्टेशन कहां पे है? कैन यू टेल मी वेयर इज द येलाहंका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, इन विच स्टेट? IPS अपर्णा कुमार, शी इज द फर्स्ट IPS टू कंप्लीट जर्नी टू द साउथ पोल एंड ऑल्सो द फर्स्ट IPS टू कंप्लीट 7 समिट चैलेंज। She received Tenzing Norgay National Adventure Award, also from the President of India. दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS बनी अपर्णा कुमार, और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार देकर सम्मानित किया, और ये पहली IPS हैं जिन्होंने 7 पर्वतमालाओं पर भारतीय तिरंगा फहराया। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड एन ऑल मैन आर्मी कंटेंजेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। शी लेड द आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स कंटेंजेंट। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी भारतीय सेना की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार 144 पुरुषों का सैन्य दल उसकी परेड को लीड किया। दिस हैपेंड एट द रिपब्लिक डे। क्लेयर पोलोसैक इज द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट इन द मेन्स वनडे मैचेस। पुरुष वनडे की पहली महिला एम्पायर बनी क्लेयर पोलोसैक, ऑस्ट्रेलिया की हैं। एंड GS लक्ष्मी इज द फर्स्ट वुमेन रेफरी ऑफ द ICC। भारत की GS लक्ष्मी ने रचा इतिहास, वे बनी ICC मैच की पहली महिला रेफरी। मिताली राज इज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर एवर टू कंप्लीट 2 decades इन क्रिकेट। एंड मिताली राज इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 200 वनडे मैचेस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 दशक यानी 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी मिताली राज, और मिताली राज 200 वनडे मैच खेलने वाली भी विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी। इंडियाज फर्स्ट फीमेल विजुअली इम्पेयर्ड IAS इज प्रांजल पाटिल। भारत की पहली दृष्टिहीन महिला IAS अधिकारी बनी है प्रांजल पाटिल। इन्होंने तिरुवनंतपुरम के कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। अंशुला कांत इज द फर्स्ट फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो अंशुला कांत ने किया भारत का नाम रोशन, ये बनी विश्व बैंक की पहली महिला प्रबंध निदेशक। फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ स्लोवाकिया इज जाजुना कपुतोवा। जुजाना कपुतोवा इज स्लोवाकिया फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट। डॉक्टर गगनदीप कांग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंडन। विश्व की सबसे पुरानी वैज्ञानिक सोसाइटी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन की सदस्य बनने वाली पहली महिला है भारत की गगनदीप कांग। अनुप्रिया लकरा इज फ्रॉम मलकानगिरी इन ओडिशा। सो शी इज द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल कमर्शियल पायलट ऑफ इंडिया। ओडिशा के नक्सल प्रभावित मलकानगिरी की अनुप्रिया लकड़ा भारत की पहली आदिवासी महिला कमर्शियल पायलट बनी है। एंड चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट चंद्रयान 2, देन मुतैया वनीता वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड रितु करिधल वॉज द मिशन डायरेक्टर। चंद्रयान 2 उपग्रह में रितु करिधल थी मिशन डायरेक्टर और एम वनीता थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। फर्स्ट ऑल वुमेन स्पेस वॉक वॉज डन बाय क्रिस्टीना कॉज एंड जेसिका मियर ऑफ अमेरिका। क्रिस्टीना कॉज इट वॉज द 4th स्पेस वॉक एंड जेसिका मियर वॉज द 1st स्पेस वॉक। क्रिस्टीना कॉज और जेसिका मियर ने स्पेस वॉक किया अभी। क्रिस्टीना कॉज का 4th था, जेसिका मियर का 1st था।
Captain Shikha Surbhi, first female officer to be a part of an all-male daredevil team. जो जान पर खेलकर करतब दिखाते हैं गणतंत्र दिवस पर, कैप्टन शिखा सुरभि, उन्होंने 70वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के दिन पहली बार एक महिला को डेयर डेविल टीम का हिस्सा देखा गया। रॉयल एनफील्ड बुलेट पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी शिखा सुरभि ने। मेजर खुशबू कन्वर, गणतंत्र दिवस के दिन शी ऑन द रिपब्लिक डे शी लेड द फर्स्ट एवर ऑल वुमेन कंटिजेंट ऑफ द असम राइफल। असम राइफल ने अपने इतिहास में पहली बार एक महिला सैनिकों का दस्ता राजपथ पर परेड करवाई थी, तो उसमें इनका नेतृत्व किया मेजर खुशबू कन्वर ने। और असम राइफल भारत का सबसे पुराना राइफल है, सबसे पुराना केंद्रीय बल है, और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के साथ इसका विलय हो रहा है। सो ये थी सारी महिलाएं। दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ द वुमेन इन न्यूज 2019। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। मे बी आई वुड हैव मिस्ड वन और टू, बट मोर और लेस आई हैव कवर्ड मोस्ट। एंड देर आर सम फॉरन वंस विच आई डिड नॉट कवर, फॉर एग्जाम्पल द न्यू यूरोपियन कमीशन चेयरमैन उर्सुला वॉन डर लेन, और But those will be covered anyways in the best 200 series and in the daily current affairs, so need not worry about that. I mostly focus on the Indian women who made us proud. Thank you for watching this video and keep watching StudyIQ Premium.